तो सेकंड टाइम तो भैया सामान निकालने की जरूरत नहीं, ऐसी मार जाना बस ठीक है, फिर मार जाना कोई बात नहीं। 6 महीने के अंदर 6 बार मार जाना, 6 महीने की गारंटी है हमारी। गद्दियों के अंदर घुसे पड़े हैं खट वाले। अब तो इनको देख देख के और खारिश चढ़ रही है मेरे को, तो खारिश हो जा रही है मेरे तो पूरी बॉडी में। मन कर रहा है बस नहाने जाऊं फटाफट। तो गाइस इधर नकुल लेके आया था छोले कुलचे, तो मैं खा रही हूँ छोले कुलचे और हमें आके ऊपर बैठना पड़ा, तो मैं खुद ही बना रही हूँ अपनी और स्वीट होम चाय। फटाफट से खाना खाते हैं और हमें 3-4 घंटे नीचे नहीं बैठना। तो हमें 3-4 घंटे नीचे नहीं बैठना, हमें ऊपर ही बैठना है, अंधेरा करके रखना है क्योंकि अंधेरे में ही खटमल निकलते हैं। टेस्टी बनी है ना गाइस, ऊपर का फ्लेवर बहुत, ऊपर बस एक ही मग मिला है और छोले कुलचे भी हम लोग खा चुके हैं जो नकुल लाया था। और ये पी रही हूँ मैं आज ग्लास में चाय ऊपर वालों के यहाँ। और ये मैं अपने सिंगी पार्सल लाई थी बट इनका माइक्रोवेव यहाँ है तो इसको चला नहीं सकते। सो गाइस नकुल का अंदर काम चल रहा है, इधर हमारी वीडियो चल रही है और इधर और टाइम हो रहा है 4:35। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ यहाँ से ऊपर से अपने यहाँ नीचे। फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या काम शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। ये देखिए क्या हालत है मेरे सामान की। गाइस हिटलर फादर जी आए हैं, बनाओ तो हमें पिला देना। मम्मी जरा सरकवाओ, पापा से जरा काम करवाओ थोड़ा। सुनो सोफा सरकाओ, ये मैंने खड़ा करा है पीछे हुआ, नीचे उल्टा पड़ा हुआ था सोफा। ये नहीं सरकाना, इधर पोछा लगा ये सरकाना है। सरिता करेगी ये काम, वो सरिता करेगी, मोटा होना पड़ेगा इसके लिए। गाइस हम तो घर समेटते समेटते थक गए, मैं तो इस बार शिफ्ट ही कर लेते गई। किसका फटा फटा भी ऑर्डर कर रही है। मैं भी हेल्प कर रही हूँ, पहले ये सरकाएंगे सोफा। अच्छा, हिला ही मैं सरकाओगे? हाँ। कीड़ा होंगे, कीड़ा होंगे। शाम के 6 और इधर मैं बना रही हूँ सरिता और स्वीट मॉम की चाय और इधर भाई और मेरा बना रही हूँ मैं कोल्ड कॉफी। अभी अर्बन क्लैप वाला फिलहाल हम नहीं बुला रहे हैं, फिलहाल अभी इस जीजू से बात करी है। उनका एक्चुअली ना फर्नीचर का ही काम है, यही सारा काम है। तो सोनिका ने भी अपने सोफे के कवर्स बनवाए थे कुशन के, तो अब हम भी सोच रहे हैं कि सोफे के कवर उन्हीं से बनवाएं। तो उनको बोला है मैंने, तो वो देखते हैं अगर लड़का वहाँ से आ जाएगा उनके यहाँ से हमारे यहाँ, तो अब इसका भी काम निपटाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं सोफे। फ्रेंड्स ये देखिए सविता समाटी हो चुकी है, बेड लगा चुके हैं हम, ये लगा रही है संगीता जी पोचा। सरिता जी कुछ नहीं कर रही है, खुद ही मैं कर रही हूँ, पर चलो दिखावा तो कर ही रही है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद चादर चेंज करने, एक चादर चेंज करने वाला मेरे साथ ही भेज देना ना। एक तो होगी फुल टाइम मेड, दो मेड को भी कौन संभालेगा, मैं तो एडिटिंग करूंगी।
दो फुल टाइम मेड की होगी, देखो एक घर के काम करेगी सारे, एक तेरे फालतू अलमारी से मारा, अलमारी से मारा रहा, ये काम तेरा 2 मिनट की होंगी फुल टाइम। मम्मी 2 मिनट भेजोगे फिर मेरे साथ? बच्चों लेकर के तो नहीं होती, टक्कर लग गई। मैं एक टक्कर और मार काला सांप काट जाएगा। मम्मी तुम्हें सांप कहाँ मिल रहा है यहाँ? भैया ऐसे बोलते थे, टक्कर नहीं मार रही दोबारा। मार दो ना तुम पीछे से, इसको क्या पता चलेगा। टक्कर मार जरा, ये टक्कर नहीं मार रहा देख। ये दोनों काम कम, ये दोनों काम कम करते, लड़ते ज्यादा हैं दोनों के दोनों। इसकी मेरे सर की ऐसे टक्कर हो गई। अरे चुपचाप मार लेना, सोएगा ना जब ये तब मार लेना। कह रहे गुंडी लगा के सोऊंगा, नौटंकी है भाविश भी। मैं सोहा यही सोचूं, दो चादर फिटेड खोले। गाइस चादर बिछा रहे हो? हम तो काम करेंगे ही। गाइस एडिटिंग कर रही हूँ मैं, पता है 5 व्लॉग एडिट कर चुकी हूँ अभी तक। मम्मी चादर थोड़ी बाहर निकाल के, बाहर निकाल के बस छोटी बट। मम्मी सही जुगाड़ हुआ। अरे झुका नहीं जा रहा ना, डंडे से काटूंगा। ऐसे वाले ब्रश मंगा लेते ना क्लीनर। गाइस मेरी एडिटिंग ही पूरी होने को नहीं आ रही है, 6-7 व्लॉग्स एडिट कर चुकी हूँ। गरम गरम चावल आ चुके हैं मेरे में, पनीर ही पनीर है। अब ये जो तेरी प्लेट जिसमें मैं खा रही हूँ, इसका इसमें नाम भावेश है और इसके में पनीर नहीं है, तो ये लड़ रहा है। कह रहा धुआतपन करती हूँ मम्मी। और ये जो धुआतपन हुआ, ये भावेश के लिखे हुए नाम की प्लेट में खा रही हूँ मैं। अरे तूने मेरे पर्स से आज पैसे निकाले हैं क्या? हाँ निकाले हैं। अरे जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। सारा दिन तुमसे ही मांगती रहूं, बस गिड़ाती रहूं, ऐसे करती रहूं, मुझे अपनी मेहनत की कमाई नहीं चाहिए। हे भगवान। गाइस आज पेस्ट कंट्रोल हुआ है, पर अभी अभी मैंने एक खटमल मारा है और खारिश भी हो रही है, तो लग नहीं रहा कि खटमल मरे हैं। और स्वीट होम को भी नींद नहीं आ रही, ढूंढे कहीं दिख रहा है। क्योंकि अब खारिश होनी शुरू हो गई है। हाँ सुइयां सी चुभती हैं पर दिख नहीं रहा, पर एक तो मारा ही है। गाइस ये खटमल मैंने एक और अभी अभी मारा है, जो कि इसके अंदर से मिला है मुझे। अब मैं सोच रही हूँ उसको बाहर फेंक दूँ। ये रहा एक, रात के 3 बजे भी एक खटमल मारा है मैंने, 3 बजे। सो गाइस अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 3 और मेरी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड गाइस डेली 2 व्लॉग्स आ रहे हैं, फुल मेहनत चल रही है, पूरी आईज जाती जा रही हैं, बट करना है काम। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड 24 अगस्त को हम लोग कर रहे हैं भंडारा, उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे दूँगी। एंड मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन इनविटेशन है, आप लोग आ सकते हो, खा सकते हो, पटवा सकते हो और हम लोगों से मिल सकते हो। बस हम थोड़ा सा उस टाइम पे बिज़ी होते हैं, बट जितना टाइम हम अपना आप लोगों को दे पाएंगे हम डेफिनेटली देंगे।